क्या आपको पता है कि भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे है जापानी कनेक्शन। 1946 तक तो टर्म्स डिस्कस हो रहे थे कि कैसे अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे। 25 फरवरी 1947 को लेबर गवर्नमेंट ने लंदन में घोषणा की कि हम भारत जून 1948 में छोड़ देंगे। माउंटबेटन को वाइस राय के रूप में कार्यभार दिया गया। इसी बीच पार्टीशन पे भी काम किया गया। 3 जून को माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान अनाउंस किया ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू जिन्ना और बलदेव सिंह की मौजूदगी में। अगले दिन यानी 4 जून को माउंटबेटन ने अनाउंस कर दिया कि हम 1947 के अगस्त में भारत छोड़ देंगे ताकि खराबा और दंगे ना हो, भारत में रह रहे ब्रिटिशर्स पर भी हमले ना हो। किताब फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि जापान ने इस दिन सेकंड वर्ल्ड वार में सरेंडर किया था, लेकिन असल बात यह कि वे दुनिया को बताना चाह रहे थे कि जापान जैसे भारत ने घुटने टेक दिए जबकि अंग्रेजों ने भारत के सामने घुटने टेके थे। इतिहास माउंटबेटन को एक असफल प्रशासक का दर्जा देगा क्योंकि अंग्रेजों पर तो हमले नहीं हुए पर हिंदू और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे हुए और ये माउंटबेटन की ही चाल थी कि भारत की आजादी को उसने जापान के सरेंडर के दिन से जोड़ा था। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को करोड़ों नमन।